हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ। और आज हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन यूनिट 14 का एक्सरसाइज 14.2, एक क्लास 8th की। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा, फैक्टराइजेशन करना है हमको। देखो, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, ए की पावर 2 प्लस का 8a प्लस का 16। तो यहाँ इसको करने से पहले एक चीज ध्यान रख लो कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। एक तो एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy। देखो, याद करने का क्या तरीका, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू पहला दूसरा, ऐसे भी याद कर सकते हो। आपके आपकी मर्जी, जैसा आपको इजीली याद हो जाता हो इस तरह से लर्न कर लेना इसको। क्या है, एक्स प्लस का वाई का स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस टर्म में दे रखा है क्वेश्चन, हमें यहां लेके आना, इससे ये लेके आना। देखो, ये ए का स्क्वायर है, यानी कि देखो यहां से ये एक्स का स्क्वायर, तो इस टर्म को स्क्वायर में लेकर आओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर देखो, लास्ट में वाई का स्क्वायर है, तो इसको हम फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन जब लगाओगे अगर प्लस में हो, अगर माइनस का हो तो माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, उसे बताऊंगा बाद में। प्लस टू टू लिखो, इन टू फर्स्ट क्या है ए, ए लिखो, सेकंड क्या है 16, ये फोर था तो फोर लिख दो। तो समझे ना, पहले का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू पहला दूसरा, तो लिख दिया ना भाई, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, और ये ए इंटू बी। देखो, ए को पहले लिख सकते हो, बी को बाद में, बी के मतलब 4 को बाद में लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला कौन सा ड्राइव हो गया हमारा, एक ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो यहां एक्स और वाई क्या है, एक्स ए है और वाई क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं सीधे एक्स क्या है ए प्लस का वाई क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि इससे ये क्वेश्चन बन गया था। यहां उल्टा ये रखा, इसमें से इसको लेके आना, फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, समझ में आ गया ना, इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या इसको लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, और ये क्या 2 इंटू 5 इंटू पी। देखो, बीच में जो ये जो आ रहा ना, आपका मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, 5 टू जो 10 हो गया, 10 पी हो गया। ठीक है, जैसे ऊपर ये रखा 2 4 जो 8, 8 ही था ना ऊपर, तो हमने इसके फैक्टर करे तो ये ऐसा ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो यही आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस लगा के, बीच में माइनस है तो माइनस का लगा दो 2ab। ठीक है, यहां भी क्या करोगे, पहले का स्क्वायर, पहला क्या था p, माइनस है तो माइनस लगा लो, और लास्ट का क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब ऐसे ही करने हैं। इसे लिख सकते हैं आप 5m का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू ये क्या 5m लिखो, मल्टीप्लाई 3 लिखो। ठीक है ना, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 5 जा 30, यही आ गई ना m, ये रहा, तो पहला वाला और लास्ट वाला। ठीक है, स्क्वायर में से इस साइड ले गया 5m को, 3 का स्क्वायर में से 3 को ले लिया स्क्वायर, किससे आया था a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ये 49 वाई स्क्वायर, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 वाई का स्क्वायर, 36 किसका होता है 6 का, 6 जेड का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू ए इंटू बी या एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट, ये 7y को उठाओ यहां से या 6z को उठाओ, प्लस है तो प्लस रखो का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या हो सकता है, देखो 2x का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस माइनस है ना तो माइनस लगेगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये फॉर्मूला जो बनेगा, देखो थोड़ा सा यहाँ एक काम करना है, इससे पहले यहां लिख देता हूं मैं, ये किसका फॉर्मूला बनेगा आपका 2x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बनेगा ना, बनेगा। तो अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा तो कैसे लूंगा, जब मैं इसको बाहर लेके आऊंगा, इसको मैं बाहर लेके आऊंगा तो देखो स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पर है, स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पे है, तो जब मैं अगर इसे बाहर निकालने लगूं तो क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट में x माइनस का 1 बचेगा, समझे ना, 2 को मान लो भाई ब्रैकेट के अंदर डिजिट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, अगर मैं इसको 2 को कॉमन लेकर बाहर निकालूंगा तो पावर तो इसके ऊपर भी लगेगी ना भाई, पावर तो 2 के ऊपर भी लगेगा, तो इसलिए 2 के ऊपर पावर लगा दिया, यह क्या बचेगा, एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4, 4 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 क्वेश्चन में क्या, 121 बी का स्क्वायर माइनस का 88 बी सी प्लस का 16 सी स्क्वायर। देखो ये जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, 11 बी का स्क्वायर,
और 16 किसका होता है 4 सी का स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 ए बी कर दो, ठीक है। अब किसका हो गया, देखो 11 बी लो यहाँ से और माइनस का साइन लगाओ क्योंकि बीच में माइनस है, 4 सी का स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या देखो, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि बच्चे सोच के परेशान हो जाते हैं कि एक तो ब्रैकेट ये बना पड़ा और बचे हुए डिजिट ये। देखो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बीच में 2 प्लस का ए बी, ठीक है, और ये जैसा है वैसे बता दो, माइनस का 4 एल एम। अब देखो एल स्क्वायर को ये रखो, एम स्क्वायर को ये रखो, देखो ये प्लस के 2 एल एम है, ये माइनस के 2 एल एम है, ठीक है। तो माइनस के में से प्लस के गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 एल एम बचेंगे। अब ये अपने आप में फॉर्मूला होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी वाला फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है भाई। ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर बीच में क्या बचा, 2 ए बी, ठीक है। तो ये क्या है, पहला एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बीच में क्या है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई, हो गया ना 4, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है ना, नहीं पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 है, तो ए की पावर 2 की पावर 2 हो गया, ये बी की पावर 2 की पावर 2 हो गया। अब तुम्हारे पास ए ये है बी ये है, बीच में क्या करोगे, प्लस का 2 ए इंटू बी, सही है ना। तो पहला उठाओ ए स्क्वायर प्लस यहां से उठाओ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही अपना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फैक्टराइज करना है, यहाँ पे भी देखो क्या क्या करते हैं, इसको क्या करोगे, एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इजिकल टू होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी, एक बार ए माइनस का बी, इस तरह से ये फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको इस फॉर्म में ले आओ ए की पावर 2 और इसको ले आओ बी की पावर 2 के फॉर्म में, तो 2 की 2 पी की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, इसे 3 पी क्यू की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिखोगे, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, इस ब्रैकेट को लिखा ना यहाँ पे, देखो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इजिकल टू एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ये क्या करा, ए की पावर 2 यानी कि 2 पी की पावर 2 और बी की पावर 2 यानी कि 3 क्यू की पावर 2, तो एक बार 2 पी और प्लस 3 पी क्यू प्लस में रखा, एक बार इसी को माइनस में रख दिया, समझे ना, ये फॉर्मूला हमारा याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे इस वाले में करो। देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, कॉमन लो आपको, क्योंकि हाँ किसी का भी पावर बनती हुई नहीं, मतलब स्क्वायर में नहीं बन रही कोई फॉर्म, तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ, 7 ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता हो, काट सकता, 7 से 9 बार कट गया, 7 से 16 बार कट गया, ये 9 ए स्क्वायर माइनस का 16 बी स्क्वायर। तो देखो ये 7 जो बाहर है इसे बाहर ही रहने दो, अब ब्रैकेट के अंदर ये 3 ए का स्क्वायर हो गया माइनस ये 4 बी का स्क्वायर हो गया, हो गया ना, हो गया। तो क्या करें, आगे क्या करेंगे, देखो अंदर का अंदर ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, 7 बाहर रहने दो, तो 3 ए प्लस का 4 बी और 3 ए माइनस का 4 बी, समझ में आया ना भाई, फार्मूला तो वही लग गया ना, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो ए प्लस बी ए माइनस का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या करा, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, देखो 49 का स्क्वायर होता है 7 एक्स का, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 एक्स का स्क्वायर माइनस 36 किसका होता है, 6 का, ठीक है। तो एक बार 7 एक्स माइनस का 6 लिख लो और एक बार 7 एक्स प्लस का 6, देखो ये ब्रैकेट उल्टे सीधे कर सकते हो, पहले माइनस ले लो फिर प्लस ले लो, या पहले प्लस ले लो फिर माइनस ले लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 एक्स की पावर 5 माइनस 4144 एक्स की पावर 3, अब यहां ये बैलेंस नहीं कर रही इससे, तो हम क्या करें, एक काम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या कॉमन ले लें, जैसे 16 कॉमन ले लिया, 16 एक्स की पावर 3 कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचेगा, 16 से 16 कैंसिल, बचा कितना, एक्स की पावर 2 बच गया माइनस ये 144 कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। तो अब अंदर देखो ये जो बाहर है वैसे बाहर चलने दो, तो देखो एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर यहां पर क्या हो गया, एक बार ये ब्रैकेट में क्या करते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, समझ में आ गया ना, एक्स माइनस का 3 एक्स प्लस का 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या करा, देखो एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, तो यहां दो दो ब्रैकेट हैं, दोनों डिजिट हैं, तो एक क्या करेंगे, इसको पूरे को ए मानो, ए का स्क्वायर, इसको मानो बी, बी का स्क्वायर, तो एल प्लस एम एक ब्रैकेट में माइनस का एल माइनस का एम, ये ए माइनस का बी और ये ए प्लस का बी, समझे ना, इस पूरे को ए मानो, तो ए माइनस ये पूरा बी, बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, अभी ब्रैकेट खोलो, तो एल प्लस का एम माइनस का एल माइनस माइनस प्लस का एम, समझे ना, देखो ब्रैकेट खोलो, ये जैसे रह गया, माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस से एल माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस का एम हो गया, ऐसे यहां करो, एल और एम खोले, प्लस का तो प्लस, तो प्लस से कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई चेंज नहीं आता, तो प्लस का एल रहेगा, प्लस माइनस माइनस का एम रहेगा। अब देखो ये एल कैंसिल, यहां पर एम कैंसिल,
तो यहाँ कितने बचे, 2m बचे, ठीक है। और यहाँ क्या बचे दूसरे ब्रैकेट में, 2l बचे, तो 2l लिख दिया, 2 × 4 ml, ठीक है, ln या ml, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x² y² - 16, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3xy² - 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो इसको एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो, ऐसे इस नेक्स्ट वाले करो, x² - 2xy + y², अब यहां दिक्कत ये हो गई कि ये तो कहीं फैक्टर नहीं जा रहा, तो देखो ये फॉर्मूला बनना अपने आप में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड का स्क्वायर, ऐसी है, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक्स माइनस वाई और माइनस का जेड, एक्स माइनस वाई और प्लस का जेड, समझे ना, समझे, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8, इसमें क्या है, 25a² - 4b² + 28bc - 49c², अब यहां क्या करें भाई, देखो ये तो 5, ये 25a² से अलग रखो, और यहां से देखो a का स्क्वायर, जब ये माइनस बाहर ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन लिया मतलब ब्रैकेट लगाया, तो क्या होगा, ये 4 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4b², ये माइनस है, ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा, 28bc, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 49c². अब अपने आप में देखो यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला, 2b² ये 7c² माइनस का 2 × ab, ए कितना है 2b, और ये वाला साइड क्या है 5 7c, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, 2b - 4 5 7c² ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 25 को 5 का स्क्वायर, 5a² - 5b² ऐसे चलने दो, a² - b² आ गया ना उसी फॉर्म में, a² - का, इससे पहले इस वाली तरफ ऐसा चेंज था, अब क्या इस साइड पे चेंज कर दिया, तो इससे घबराओ मत, बड़े आराम से निकलेगा, पहले देखो कहाँ फार्मूला, किस फार्मूले से कौन सा फैक्टर कर पाओगे उसे देखो, ठीक है, जब आगे करो, तो इसको क्या लिखोगे, a² + b² a² - b² है, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस का बी, ठीक है, a ये है 5 माइनस का ये b हो गया, अब ब्रैकेट खोल लो, 5a + 2b - 7c, इसमें भी खोल लो, 5a - का माइनस है ना, ये 2b हो गया, माइनस माइनस प्लस का 7c हो गया, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होगी, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय।